हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिलकर 5 साल पूरे करेगी। करप्शन ज़दा पार्टी से तो बिल्कुल कोई खतरा नहीं। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो जरूर ले आए। आर्मी चीफ को मजीद तौसी से मुतालिक अभी सोचा नहीं। शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नैब को खत के जरिए बुलाने का फैसला। जावेद इकबाल की अदम शिरकत पर इजलास मौखर किया। राणा तनवीर की गुफ्तगू। तमाम अरकान का इजलास ओपन रखने का मुतालिबा। ब्रीफिंग सबके सामने होनी चाहिए। शरी रहमान। चेयरमैन नैब पीएसी समेत किसी भी कायमा कमेटी में पेश नहीं होंगे। वजीर आजम ने चेयरमैन नैब की जगह डीजी नैब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग देने की मंजूरी दी। नैब हुकाम का सेक्रेटरी कौमी असेंबली को खत। फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की तीसरे रोज भी गूंज। इमरान नियाजी ने ईमानदारी का मेकअप किया हुआ था, रिपोर्ट ने चेहरा बेनकाब कर दिया। ये मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा चुके। वक्त आ गया कॉम फ्रॉड करने वालों का एहतसाब करे। एहसन इकबाल की ललकार। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट बारिश का पहला कतरा। पीटीआई ने फंड्स को कम दिखाया, दर्जनों बैंक अकाउंट्स छुपाए। इस हेराफेरी की तह तक पहुंचना अशद जरूरी है। तब्दीली का असल चेहरा सामने आने पर लोगों के होश उड़ जाएंगे। हमजा शहबाज। आईएसपीआर के बयान की तायद। किसी इदारे या एस्टेब्लिशमेंट से किसी डील की गुफ्तगू में शामिल नहीं। नवाज शरीफ किसी डील का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इनकी करप्शन पूरी दुनिया पर आया हो चुकी। राणा सनाउल्ला। ऑपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च करने की हिम्मत है न हौसला। मुल्क में पीडीएम के इंतजार फैलाने की सियासत नहीं चलेगी। यहां सिर्फ खिदमत की सियासत को पजीराई मिलेगी। वजीर आला उस्मान बुजदार के अरकान पंजाब असेंबली से गुफ्तगू। नवाज शरीफ लंदन से बैठकर पंजाब की सियासत करना चाहते हैं। लीगी कायद अपना टिकट फाड़ चुके, ये किसी भी सूरत वापस नहीं आएंगे। चाहिए शहबाज शरीफ को जेल ही क्यों ना जाना पड़े। हसन खावर की मीडिया टॉक। कोरोना की पांचवी लहर का जोर। कराची में केसेस यकदम बढ़ गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.23% तक पहुंच गई। शहर कायद में ओमिक्रॉन के 200 से ज्यादा केसेस की तस्दीक। कोरोना तेजी से पंजे गाड़ने लगा। पंजाब में 43 नए केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में भी मजीद 36 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में भी नए वेरिएंट के 6 केसेस रिपोर्ट। वायरस से बचाव के लिए हुकाम का वैक्सीनेशन पर जोर। सिंध के हालात काबू से बाहर। ध्यान ना दिया तो मामला मजीद बिगड़ जाएंगे। जरदारी साहब सूबे में क्या कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध के शहरी इलाके गिरवी रख दिए गए। आज पीटीआई हुकूमत जरदारी की मरहूने मिन्नत है। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के बलदियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का कराची में 7वें रोज भी धरना। मुतनाज़े कानून वापस लेने का मुतालिबा। खरबों रुपए का बजट करप्शन की नजर। ये बलदियाती हुकूमत को इख्तियार नहीं देना चाहते। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। और कराची में कहीं बूंदाबांदी कहीं बारिश। नाजमाबाद फेडरल बी एरिया गुलशन इकबाल महमूदाबाद में बादल बरस पड़े। शहर कायद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई।